अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। यहाँ पर एक विषय चल रहा है, उसको लेकर उनके कुछ मांगे थी और उसको लेकर थाने का भी बात करी थी। लोगों ने आकर यहाँ पर बैठ गए, उसे अपनी जान लगा था, कल उसको जान भी खुलवाया गया और उनसे बात भी की थी। सर उनको द्वारा कल देवास बंद की भी बात की जा रही है। यहाँ पे जाम में खड़े कहीं ना कहीं पुलिस से झुमा झटकी की भी नौबत बनी, क्या पूरा मामला था? पूरे मामले में जो देवास का हाजी है और उसने एक पीड़ित परिवार के ऊपर गोली चलाई है,
वो आए दिन सांप्रदायिक दंगे करवाता रहता है इस मामले में, और इस मामले में हमने कहा कि पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। उसने अभी घर पे जाके उसके बालक के ऊपर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद प्रशासन यहाँ का प्रशासन उस पर 307 की कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी प्रशासन ने हमको संतुष्ट करा है कि कल 11 बजे तक उसके ऊपर 307 की एफआई कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर कल 307 की कार्रवाई नहीं करी जाती है तो हम 11 बजे कल पुराने कलेक्टर पे खड़े होके सब हिंदू समाज पूरा साथ में रहके उनका आवेदन देंगे। अगर नहीं मानते हैं उसके बाद भी तो पूरा शहर बंद कर देंगे। 2 घंटे के समय में अगर ये नहीं हुआ तो फिर चाहे हमारा मर्डर हो जाए चाहे जिसका भी हो जाए फिर वो तय करेगा समय। क्या आपको लिखित आश्वासन दिया गया? किसी ने कोई लिखित आश्वासन दिए? हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, प्रशासन ने ये बात रखी है। हमने प्रशासन की बात मानी हो और प्रशासन की बात मान के हमने ये चक्का जाम हटाया है। हमें प्रशासन को लेके भी ये चीज समझना पड़ेगी। चलिए, कल जिस तरह से गोली चली थी उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं चुपा रहा था गोलीकांड, ये क्यों? ये तो भाई यही तो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। क्या है कि आज एक आम जनता के ऊपर ऐसा हो रहा है, कोई पावरफुल व्यक्ति चाहे तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अन्यथा किसी के ऊपर नहीं होगी। क्या आम ऐसे तो तुम किसी के ऊपर भी उठा के 25, 27, 307 मर्डर रख देते हो? तो भाई इस पे रखो ना जिसने गोली चलानी। इतना सारा समाज बोल रहा है, हिंदू समाज बोल रहा है, फूट फूट के यहाँ बोल रहा है, चौराहे पे धरना दिया, धरना 2000 लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या, यही तो है सिस्टम की कमजोरी, ये किस कारण से हो रहा है? झुमा झटकी भी होती पुलिस, ये पुलिस से प्रशासन से झुमा झटकी यहाँ पर बैठे लोगों ने नहीं की। वहाँ पर जो भीड़ हुई वो प्रशासन की तरफ से उनको हटाने के चक्कर में हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल आपका देवास बंद का आह्वान है? बिल्कुल, कल देवास बंद का आह्वान है। और इसमें हम तो ये भी कहेंगे कि हिंदू समाज से भी एक मेरा निवेदन है कि पूरा समाज एकत्रित होके अगर आज नहीं होगा तो कब होगा? अब कल आए और इन सबका स्वागत है हिंदू समाज का। 11 बजे से हम औद्योगिक थाने में थे। हम उस काजी का कहीं ना कहीं एफआईआर करवाने के लिए आए हुए थे जिन्होंने कल के रोज 17 साल के बच्चों पे फायर किया है। उसका वीडियो एविडेंस भी है। बाकी प्रशासन हमें समझाइश देता गया। हमने कहीं ना कहीं उसमें 307 की धाराएं और 294 धाराएं ये लगा दी गई थी, बाद में फिर हटा दी गई और 336 और 294 धारा लगाई, जिसके विरोध में हमने प्रशासन को बोला 5 बजे आगाह करा कि 6 बजे तक आप फिर 307 धारा लगाएं और 294 धारा लगाएं, 7 पे 25 आर्मेट लगाएं। बाकी उन्होंने 6 बजे तक नहीं करा। हम लोगों के इंतजार की हद हो गई। लास्ट में हमने चक्का जाम करने के लिए यहाँ पे बैठे। क्या लगता है किसी प्रेशर में आकर के धाराएं हटाई गई? मुझे तो यही मालूम है और आप लोगों को भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन बताया प्रशासन उससे डर गया, क्योंकि एक रोज पूर्व 1800 की संख्या लाके उन्होंने फायर करके कि वो किस्सा दब जाए और छेड़छाड़ का एक दूसरा नाटक बना के उन्होंने प्रशासन को दबाव में रखा। इसके कारण से उन्होंने उस डर के मारे उन पे 307 की धारा नहीं लगाई। भैया आश्वासन दिया गया? हमें बोला गया है 164 के कल बयान होंगे, जो फरियादी है उसके 164 के बयान होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने फिर 307 की धारा लगाएंगे और 25 आर्मेट लगाएंगे। अच्छा, कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी देखने को मिली है यहाँ पे? वादा जब झुमा झटकी हुई थी पुलिस से? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, तो अब विषय क्या, 3 घंटे 4 घंटे हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है। बाकी हिंदू जागरण के लिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। मैं इस चैनल के माध्यम से उन जो परेशान हुए उनसे ही माफ़ी मांगना चाहते हैं। बाकी हमें जब जब हिंदू पे इस प्रकार का अत्याचार होगा तब तब हम लोगों को इस प्रकार के खड़ा होना पड़ेगा, जब हमारी नहीं सुनी जाएगी। आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो क्या किया जाएगा? नहीं, कार्रवाई अस्वस्थ करा है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि इसके बाद क्या करेंगे। क्या कदम अगला आपका? अगला कदम निर्णय, सब मिलकर निर्णय लिया जाएगा किस हिसाब से। ठीक सर, धन्यवाद।